मेरा नाम शिफ निसार है और मैं बैंक इस्लामी पाकिस्तान लिमिटेड में हेड ऑफ़ प्रोडक्ट्स एंड शरीय स्ट्रक्चरिंग के तौर पे काम करता हूँ एक सवाल बैंक इस्लामी से उम्मीद तौर पर किया जाता है कि एक बुराबा फाइनेंसिंग की फैसिलिटी जो कि बैंक प्रोवाइड करता है ये किस तरीके से काम करती है और ये सूदी मामला से किस तरीके से मुख्तलि तो एक चीज़ समझने की ज़रूरत यह है कि बैंक इस्लामी एक इस्लामिक बैंक के नाते होने के तहत कोई सूदी कर्जा नहीं दे सकता हम जब भी कोई कस्टमर को पैसे देते हैं तो पहले ये तय किया जाता है कि ये किस तकाजे के तहत और किस कॉन्ट्रैक्ट के तहत दिया जा रहा है तो अगर कोई कस्टमर ये हमें बताता है कि उसको जो पैसे हैं वो किसी सामान को खरीदने के लिए चाहिए तो बैंक इस्लामी एक मुराबा प्रोडक्ट ऑफर करता है जिसके तहत बैंक इस्लामी कस्टमर को एजेंट बनाता है कि वो जो सामान उसको ख़रीदना है वो पहले बैंक इस्लामी के लिए ख़रीदे मिसाल के तौर पर उसको कॉटन की कोई ज़रूरत है और हंड्रेड मिलियन की रुपीज़ की उसकी एक फंडिंग है तो बैंक इस्लामी उसको एजेंट बना के उसको पैसे देता है और वो सामान ख़रीदने के लिए उसको कहा जाता है उसमें भी उम्मीद तौर पे कोशिश ही की जाती है कि वो रकम डायरेक्ट सप्लायर को पेमेंट की जाए जब वो रकम जब वो सामान ख़रीद लेता है कस्टमर बैंक के एजेंट के तौर पर तो कस्टमर बैंक को इतला करता है कि उसने सामान खरीद लिया है इस मौके पर बैंक उस सामान का ओनर होता है और तमाम रिस्क और रिवॉर्ड जो भी उस सामान का होता है वो बैंक उठा रहा होता है बैंक फिर उस सामान को कस्टमर को अपने एक प्रॉफिट रख के सेल कर देता है इस तरीके से कस्टमर को उसकी इमीडिएट जो फाइनेंसिंग नीड है सामान को ख़रीदने की वो भी मिल जाती है और उसको एक क्रेडिट पीरियड मिल जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल छः महीनों के बाद जिसके बाद वो बैंक को अपने एक प्रॉफिट के साथ वो रकम वापस कर देता है